तो ये प्रार्थना हो कि मतलब शेर मुझे काटे नहीं ना खा जाए। वो वही वो शाणे है वो लोग, पता है वो सर नहीं देते हंग से, वहाँ मसल्स है वहाँ, ये पत्ते राजीव मोटे कैसे जा रहे हैं। हेलो भैया, आपने पास सीजन देखा कैसे कोई कैसे डांट मारे सबको, मेरी तो फट रही उसके सामने। थैंक यू सो मच, होप सो। भैया बहुत तैयारी की है मैंने, आपने देखा बिग बॉस में कितना सांड था मैं, अब मैंने 70 किलो कम किया, अब मैं जा रहा हूँ खतरों के खिलाड़ी। भगवान को भैया प्रार्थना हो कि मतलब शेर मुझे काटे नहीं ना खा जाए। आई थिंक यू नो आई बीन वर्किंग अ लॉट विद माय फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, एंड आई थिंक आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, मैं सब कुछ ट्राई किया मतलब करने के लिए, जब सो आई कैन प्रोसीड इन दिस शो एंड गो आगे इन दिस शो। जब मैं बिग बॉस से बाहर आया था पहली बार, वही नेक्स्ट डे मुझे कॉल आया था शो में जाने के लिए कि राजीव हम चाहते हैं कि खतरों के खिलाड़ी में जाए, एंड आई वाज सो हैप्पी एंड सो एक्साइटेड कि मैंने हाँ तुरंत ही बोल दिया। फिर मैं सोया, मैं सुबह नेक्स्ट डे उठा, मैं ये मैं क्या कर दिया मैं तैयार हूँ जाने के लिए। फिर आई वाज वेरी हैप्पी, आई मीन इट वाज सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू बी इन द शो एंड आई एम सो हैप्पी आई एम गोइंग। हाँ बहुत सारे देखे मैंने, बहुत सारे देखे मैंने। कंटेस्टेंट स्टंट, देखो पता क्या है, एवरी ईयर मैंने देखा है शो में अलग अलग स्टंट्स होते हैं। वो वही बहुत शाणे है वो लोग, पता है वो स्टंट नहीं देते, वो आपने प्रीवियसली देखा है कैसे, पता क्या है वो लोग प्रिपेयर करेंगे इसकी तरह से, तो दे वेरी वेरी आई नो फॉर फैक्ट दिस ईयर बहुत एक्सट्रीम होने वाला है, कि हर साल एक्सट्रीम होता ही जा रहा है। तो मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता, बस ऑल आई नो इज कि मतलब मेरी फटने वाली है इन अ गुड वे इन अ बैड वे, मुझे पता नहीं है आप तक शो में क्या होने वाली है। मुझे जीतना है भाई बिग बॉस ने, मुझे मतलब मुझे बिग बॉस जीता था जो वो नहीं हुआ, बट ऑब्वियसली खत्म में जा रहा हूँ तो मैंने साइन अप इसकी वजह से किया कि मुझे जीतना है शो। अब ये लोग ये सोचे होंगे मतलब इतने सारे हंग से वहाँ मसल्स है वहाँ, ये पत्ते राजीव मोटे कैसे जा रहे हैं। देखो ये शो मसल्स का नहीं है, सिर्फ माइंड का है, वो मसल्स जरूरी आते हैं ऑफ कोर्स, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट यू नो आई फील नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, एंड आई होप आई एम अ सरप्राइज पैकेज इन द शो में, सबको प्राउड करूं कि राजीव भी गया, राजीव भी अच्छा करके आया। खुद को, मैं खुद का कंपटीशन हूँ, आई थिंक यू नो सब लोग बहुत टैलेंटेड है, बहुत स्किलफुल है वहाँ, तो आई थिंक एवरीवन हैज़ देयर ओन टैलेंट्स, बट आई थिंक आई एम माई ओन कॉम्पिटिशन, कि मुझे अपने आप से मतलब बेटर करना है, कि मतलब मुझे आगे जाना है और मुझे ओवरकम माई फियर्स। अभी नहीं हुई, नहीं अभी नहीं हुआ, आई थिंक यू नो व्हेन आई गो टू द शो आई थिंक रोहित सर इज अ बिग इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस, वन ऑफ द बेस्ट होस्ट, आई थिंक दी बेस्ट होस्ट ऑफ कथक के खिलाड़ी सो फार, एंड डर भी है कि मुझे उसको लेट डाउन करना नहीं है, और आई वांट टू मेक हिम प्राउड, बट आई एम सो हैप्पी दैट ही गाइडिंग मी इन द शो, बिकॉज वो गाइड बहुत करते हैं को, बस मुझे उसको गुस्सा नहीं करना, और मुझे पता है क्यों गुस्सा होता है, कि लोग अबॉर्ड करते हैं टास्क ट्राई के बिना, तो आई वाली ट्राई थिंग्स, मुझे अबॉर्ड मतलब मुझे अबॉर्ड करना ही नहीं है ना, मुझे आई होप आई वोंट डू इट, बट आई वांट टू ट्राई डू ऑल द टास्क द बेस्ट आई कैन। हाँ देखो डांटते हैं इसकी वजह से कि आप लोग हैं, हम लोग जो जाते हैं, आप सोचो प्रोडक्शन लोग कितने लोग पैसे खर्च करते हैं हमारे ऊपर, हम वहाँ जाते हो देख के डर जाते हैं, वो ये बोलते हैं कि ट्राई तो करो, फिर गुस्सा हो जाते हैं कि ट्राई करो मतलब एटलीस्ट ट्राई, तो माय थिंग इज आई वांट टू डू एवरीथिंग टू मेक हिम हैप्पी, सो आई कैन एटलीस्ट ट्राई एवरी स्टंट, बट यू नो आई थिंक गुस्सा भी करते तो अच्छा होगा हमारे लिए, कि इंस्पायर करते हमको, तो मतलब गुस्सा है दैट्स पार्ट ऑफ समबडीज नेचर टू इंस्पायर अस टू गो अहेड इन लाइफ। मेरा सब फोबिया है भाई, मतलब आई एम स्केयर्ड ऑफ एवरीथिंग, मैं स्केयर्ड ऑफ नथिंग ऑल्सो। अब ये पूछो कि मैं किसके लिए, व्हाट आर माय स्केयर्ड ऑफ द मोस्ट, वहाँ जाके देखने आई आई सी व्हाट द स्टंट्स आर अबाउट, मतलब एवरी ईयर कुछ ना कुछ अलग अलग होता है, तो आई मीन अलगों ने सी नाउ क्या क्या हो रहा है, बट आई थिंक वहाँ जाके आपको पता चल जाएगा स्क्रीन के ऊपर कि मेरे क्या फोबिया है। बहुत बहुत सारे फ़ोन आए, शायद वो टाइम मैंने अनाउंस किया मैं जा रहा हूँ, पूरा दुनिया का मुझे फ़ोन आया, आधे लोग बहुत खुश थे, आधे लोग बहुत सरप्राइज थे, क्वार्टर लोग बहुत परेशान थे कि तू कर पाएगा कि नहीं, मतलब देखो आई फील लाइक दिस इज गोना बी अ शो कि मतलब मैं मेरा दूसरा साइड दिखा सकता हूँ विद एंटरटेनमेंट, कि मतलब मैं एक खिलाड़ी हूँ और मैं आगे जा भी सकता हूँ, तो आई थिंक इट्स गोना बी अ सरप्राइज पैकेज फॉर एवरीबॉडी होपफुली।
फेवरेट आई लव शमिता, आई लव बिजलानी, आई लव भारती भारती नाच मुझे बहुत हंसाया, मतलब आई लव दम, सी नेचुरल रिएक्शन था उसका. आई लव्ड आई थिंक तन्ना प्लेड वेरी वेल, कृष्ण तन्ना प्लेड वेरी वेल, जैस्मिन एंड अली, राहुल, दे ऑल आर वेरी गुड. सी इन दिस शो आप एक बंदे को हाईलाइट नहीं कर सकते हो, क्योंकि सब लोग ट्राई करते हैं स्टंट्स और सब का अलग अलग वो है. तो आई थिंक एवरीवन्स प्लेड वेरी वेरी वेल एंड आई एम हैप्पी विद दिस खासी, ये खासी बहुत अच्छी है. ओ माय गॉड, उसने कैसे किया एलिगेटर के साथ यार. देखो मुझे ऐसे करना है, मुझे ना ये सबके साथ बॉन्ड रखना है, मुझे शेर को बैठ के उसके साथ बात करनी है, मुझे सांप के साथ खेलना है, मुझे ना सबके साथ बहुत जिसे वो करती थी मुझे वो करने की, मेरे दोस्त बन जाए और मुझे काटे नहीं बस. ये सब टक्कर मारने वाले, दे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं सब लड़कियाँ. आई थिंक दे ऑल गोइंग टू वेरी वेरी वेल. आई थिंक शायद वो बॉयज के साथ वही लोग अच्छा करेंगे. I don't think there's one, honestly. मुझे एक नहीं, आई थिंक वहाँ जाके मुझे फर्स्ट वीक से पता चल जाएगा क्या हो रहा है. आई थिंक यू नो दे ऑल वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. तो एक में नहीं दे सकता. और किस तरीके का फन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? देखो द मेन थिंग आई वांट टू डू देयर इज गो एंड एंजॉय द शो एंड हैव फन एंड डू द टास्क. सो मतलब मुझे बहुत खुशी मैं केप टाउन जा रहा हूँ, बहुत खुशी मैं ये शो कर रहा हूँ. आई थिंक मेन थिंग इज हैव फन, एंजॉय योरसेल्फ एंड डू द शो द बेस्ट वे यू कैन. सी आई थिंक जब मैं शो में बिग बॉस में वो टाइम मुझे जानते नहीं थे एंड दैट वॉज माई एडवांटेज बिकॉज वो लोग को कोई प्री कंसीव नोशन नहीं था मेरी बारे. जब मैं गया था इतना प्यार मुझे मिला बाहर शो के अंदर और बाहर भी. आई थिंक वो लोग चाहते थे कि मैं दूसरे शो में आऊँ कि उसको हंसना है. एंड आई टेल यू वन थिंग, हज़ारों एक्टर्स बैठे हैं यहाँ, हज़ारों मतलब कलाकार बैठे हैं यहाँ, बहुत कम लोग हैं जो लोग को हंसाते हैं. एंड आई थिंक व्हेन यू मेक समवन लाफ ना वो भगवान को पहुँचते हैं कि मतलब वो लोग खुश हो जाते हैं. तो आई थिंक आई एम सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड इस अपॉर्चुनिटी के लोगों में हंसाऊँ, एडिटिंग करूँ, मतलब ये शो में आके मेरा दूसरा साइड भी दिखाओ. तो आई होप ये प्यार चलते रहे मेरे साथ एंड आई होप द ऑडियंस लाजमी इन दिस शो. इस बार मुनावर जा रहे हैं, जा रहे हैं और भी जो लोग हैं वो जा रहे हैं, प्रतीक जा रहे हैं, निशान जा रहे हैं आपके एक्स उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सब अच्छे, सब आई एम श्योर दे वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, आई एम श्योर दे डू वेरी वेरी वेल इन द शो. निशान प्रतीक जा रहे हैं ऑब्वियसली बिकॉज मेरे साथ साथ में थे एंड आई एम श्योर बहुत लाफ्स होगा, हंसी मजाक बहुत होगा, ये तो नेचुरल होने वाले हैं. तो आई एम जस्ट रियली हैप्पी टू स्टार्ट साथ द प्रोसेस. कोई एक स्टंट के बारे में जो बताना चाहें जो आपको लगता हो कि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, शायद मैं वहाँ पे फंस सकता हूँ? मैं वो सोच ही नहीं रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ. आप तो ऐसे सिनेरियो दे रहे हो, देखो मैं रोंगटे करोगे. मुझे सोची मैं वहाँ जा रहा हूँ ना, जितना बड़ा स्टंट हो, जितना खतरनाक स्टंट हो ना, मैं राजीव दाते ना ट्राई करेगा सब कुछ. शायद गिर जाऊँ, शायद बिल्डिंग से नीचे गिर जाऊँ, मैं ट्राई तो करूँगा. मैं देखो आई डोंट थिंक ऑब्वियसली ट्रोलिंग एक पार्ट है लाइफ में जो आपको यू हैव टू गो थ्रू द मे एवरीवनस बीन ट्रोल्ड. बट सी आई ऑलवेज बिलीव ना सब आप अच्छे करो तो बोलने वाले हैं, बुरा करो तो बोलने वाले हैं. यू कांट स्टॉप यू फ्रॉम टॉकिंग एंड माय थिंग इज पीपल अप्रिशिएट, लोग अप्रिशिएट करेंगे मैंने ट्राई किया है. बट आई एम टेलिंग यू आई हैव साइन दिस शॉप एंड आई एम वेरी क्लियर, आई हैव साइन दिस शॉप वन थिंग दैट मुझे कुछ अबॉर्ट नहीं करना है. इफ आई वॉन्टेड टू अबॉर्ट टास्क एंड नॉट डू टास्क मैं ये शो साइन नहीं करता. तो मैं वो माइंड सेट के जा रहा हूँ कि मतलब मैंने शो साइन किया तो मुझे हर चीज़ करना ही है, शायद जितना मुश्किल जितना मतलब मुझे डर आया मुझे चीज़ ट्राई करना है. वो मुझे रोहित सर को गुस्सा नहीं करना. हाँ कौन कर, हेलो भैया आपने पास सीजन देखा कैसे कोई कैसे डांट मारे सबको, मैं तो फट रही हूँ उसके सामने. मतलब आई द वन थिंग इज आई थिंक रोहित सर के एक चीज़ है कि मतलब ही वॉन्ट्स यू टू ट्राई. वो गुस्सा होता है कि तुम लोग ट्राई नहीं क्यों करते हो. आई थिंक लास्ट सीजन अदर सीजन आके मैं बॉट अबाउट देख के बॉट भैया मतलब मैं भी डरता हूँ. यू हैव टू ट्राई ना, कितने टाइम्स टाइम जाते पैसे जाते हैं स्टंट के ऊपर. तो मैं तो सब कुछ ट्राई ट्राई करने वाला हूँ. ऑनेस्टली भारती हर्ष वाला बहुत मतलब जैस्मिन अली वाला बहुत मतलब इतना हंसा हो भारती और हर्ष लेके एंड सी दे इन माय फोर्टे ऑफ कॉमेडी. तो आई थिंक इन दिस शो ना जो रिएक्शंस देखते हो कि देखो मैं तो एक ओपन बुक हूँ और जो मैं रिएक्शंस देखो उससे था अब वही देखने वाला यहाँ. मतलब मैं बहुत नेचुरल हूँ, नेचुरल मतलब आई डोंट पुट ऑन एनीथिंग, जो मैं हूँ मैं हूँ, मैं वही खुश दैट वे. सो आई थिंक कहते हो कि खिलाड़ी यू विल सी मी एज द ओपन बुक अगेन. And I hope I make my fans proud. I hope sab log mere sab khush rahe. And let's see what happens. Is what you understand ki agar baat ki jaye to aap lambi race ka ghoda kisko dekhte hain? Main I think
आप ये ऐसे कुछ नहीं पूछ रहे हो, मुझे पता ही नहीं, पता है क्यों, बिकॉज मैंने कुछ देखा ही नहीं वो कैसे करते हैं। देखो मैं ये सोचता हूँ, नहीं उम्मीद पता है क्यों है, मैं बताता हूँ कि मतलब छोटे सबसे फिटेस्ट आदमी हो, फिटेस्ट लड़के हो सामने, ठीक है, और अब वो दौड़ रहे और लाइन पीछे आ रहे, ठीक है, अच्छा इस हिसाब से मैं शायद कम हो जाऊंगा कि मुझे देख के, मतलब मेरा थोड़ा वेट ज़्यादा है, मुझे काट के पहले पाप इसके तो चूहे में डाल दो, ठीक है, 1000 चूहे के साथ, तो मतलब वो तो काम आएगा नहीं। नो वन इज यू नो अबव एनीबडी, नो इज बिलो एनीबडी इन दिस शो, तो आई थिंक एवरीवन एक सेम बराबर सेम वो में है, तो आई थिंक वहाँ जाकर पता चल जाएगा कौन ज़्यादा करते कौन कम करते हैं। बस मेरा माइंड फोकस मेरे ऊपर है कि मुझे अच्छा करना है, एंड आई विश एवरीवन वेल आल्सो, बट ऑब्वियसली मुझे जीतना है, वो तो ऐसा है। So, what you going? And I was like, yeah. So she was very helpful. She gave me a lot of tips. Bahut khush thi, and a lot of support has been given from the industry. To all my fans and well wishes, thank you so much. आपने बहुत प्यार दिया मुझे Big Boss आने से बाद, और बस ये प्यार चलते रहे मेरे साथ। I hope आप please मुझे blessings दो, दुआ करो मेरे लिए, मैं काट ना जाऊँ किसी insects animal से, और I just pray and hope that I make you all proud and you have a lot of fun watching me in the show.